बांका के भसोना बांध के पास एक स्कूटी सवार व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसकी सूचना मिलते ही बांका पुलिस कप्तान डॉक्टर सत्यप्रकाश ने बांका एसडीपीओ और बिपिन बिहारी के नेतृत्व में बांका थाना एसएचओ शंभू यादव, शिव कुमार सुमन, छोटू कुमार एवं तकनीकी सेल के सफदर अली एवं अन्य कर्मी की टीम गठित की गई। आज सूचना संकलन एवं तकनीकी सहयोग से कांड के संदिग्ध अनुराधा कुमारी पिता स्वर्गीय अनूप रंजन मोहनलाल जगतपुर को जब पूछताछ है तो थाना लाया गया, तो इसी क्रम में अनुराधा कुमारी ने अपना अपराध स्वीकार किया है और उसके द्वारा बताया गया कि पड़ोस के मृतक सुमन चौधरी पिता प्रभाकर चौधरी मोहल्ला जगतपुर मुझसे एक तरफा प्रेम करता था और शादी के लिए मुझ पर दबाव बना रहा था। इसी बीच अनुराधा कुमारी को नीलेश कुमार जो मुंगेर जिले के आनंद विहार कलोनी थाना वसुदेवपुर से प्यार हो गया और नीलेश को जब मृतक के बारे में पता चला तो इन दोनों ने मिलकर एक योजना बनाकर सुमन चौधरी को भसोना बांध के पास बुलाकर अपने प्रेमी नीलेश के साथ मिलकर हत्या कर दी और अनुराधा नीलेश के साथ गाड़ी पर बैठकर अपने घर चली आई। संध्या में एक सूचना मिली कि भसोना बांध के पास एक स्कूटी सवार व्यक्ति को कुछ गोली मार दिया है। इस सूचना पर एसडीपीओ और इंस्पेक्टर साहब दोनों जाकर के उन्होंने तहकीकात के इंक्वायरी किया तो पता चला कि जो मृतक है सुमन चौधरी उसका डेड बॉडी मिला और उसी किसी बात को लेकर के वहाँ पर एक महिला का नाम सामने आया, वो किसी बात को लेकर के किसी अपराधियों ने गोली मार दी है। हम लोगों ने तुरंत इसके उपरांत ही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसडीपीओ बांका के नेतृत्व में गठित करते हुए शीघ्र ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। इन्वेस्टिगेशन में एक महिला जो कि कहीं कर्मी भी है किसी कॉलेज में, उसका नाम सामने आया जिससे जो मृतक है वो रेगुलर बात करता था, कुछ प्रेम संबंध से भी इनकार नहीं किया जा सकता। उसी में बताया कि वो एक तरफा प्रेम करता था महिला ने, जो उसने कबूल किया है, और शादी हेतु दबाव बना रहा था, परंतु जो हम लोगों का द्वारा उसके बाद उनसे जब पूछताछ की गई तो एक व्यक्ति है कुमार नीलेश सिंह जो कि मुंगेर जिला का रहने वाला है, उसका नाम सामने आया। वो उससे उसकी शायद शादी उससे ठीक हो गई थी तो उन लोगों ने उसको वहाँ पे जो है रोक करके गोली मार दी। अब इसमें पूर्व में भी ये इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो लड़का जो मृतक है, क्योंकि वो सिक्योरिटी उस महिला से बातचीत शायद होती थी क्योंकि उसके साथ वो जाकर के उस वही उसके साथ गई थी, इसलिए महिला की भी संलिप्तता इसमें आ रही है। तो इसका हम लोगों ने शीघ्र उद्भेदन करते हुए इस घटना का हम लोगों ने उद्भेदन भी कर दिया है और इसमें जो भी जो तथ्य हैं वो सामने आए हैं उसको हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन में कर दिया। इसमें हमारी टेक्निकल टीम खास करके और इंस्पेक्टर एसडीपीओ साहब ने काफी मेहनत किया है जिसके लिए इनको पुरस्कृत भी किया गया। महिला पे मतलब ये ट्रायंगल लव है क्या? अब इस सब पर हम लोग ज्यादा नहीं बोल सकते, वो आप लोग का विषय है। अच्छा, महिला भी गिरफ्तार हुआ? हाँ, महिला को भी गिरफ्तारी हम लोगों ने किया। ठीक है।